गोइटर रख लो, एक ही बात है। हाइपरथायरॉयडिज्म की मैनिफेस्टेशंस ये हैं कि T3 T4 ज़्यादा होना है और TSHS पेशेंट में कम होना है। सबसे पहली चीज़ आती थी इसके अंदर कॉजेस की। सो कॉजेस जो हैं वो आपने मुझसे ज़्यादा अच्छे आपको आगे होंगे। नंबर वन ग्रेव डिजीज़, नंबर टू हमने कहा कि टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर है, और नंबर थ्री हमने कहा टॉक्सिक एडिनोमा। हमने कहा लेस कॉमन जो है उनके अंदर एक्यूट थायरोडाइटिस हो सकता है, न्यूनेटल थायरोडाइटिस हो सकता है, फेशियाइटिस, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, या सेकेंडरी कार्सिनोमास हो सकते हैं, या वो जॉर्ड बेस्टो वाला हो सकता है। क्लियर। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था कि हमने डिस्कस करने हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब मुझसे ज़्यादा आप लोगों को वैसे माशाल्लाह आते ही होंगे, आपने फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ी है, तो आपने बेटे हमेशा ना एक कॉन्सेप्ट जनरल याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होने से जितनी भी मैनिफेस्टेशन आती है ना, यानी आपको पता है जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हमें पैल्पिटेशन होती हैं, टैकीकार्डिया होता है, यही सब होता है ना, तो वही उस तरह के सिम्टम्स यहाँ पर भी आ रहे होंगे। तो नंबर वन क्या होगा, इनका चूंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है तो पेशेंट को पैल्पिटेशंस होती हैं, चूंकि हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो इनको क्या हो रहा होता है, टैकीकार्डिया हो रहा होता है। टैकीकार्डिया के बाद आपने याद रखना है इन पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होती है, ये गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इनको भूख ज्यादा लगती है, खाना ज्यादा करते हैं, लेकिन चूंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है इसलिए वेट लॉस की कंप्लेन होती है। वेट लॉस के साथ हम याद रखेंगे कि एपेटाइट ज्यादा होती है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इनको नींद बिल्कुल नहीं आती। जो हाइपो का पेशेंट होता है ना उसको बहुत नींद आती है, लेकिन इनको इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। चूंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है तो ये रेस्टलेस से लगते हैं और बहुत अनॉक्शियस से लगते हैं, जबकि हाइपो वाला जो पेशेंट होता है ना वो आगे चल के पढ़ाऊंगी वो डिप्रेस सा होता है, सैमा सा होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी GIT की मोर्टलिटी जो है वो भी ज़्यादा हुई हुई होती है, सो मोस्टली इनको डायरिया रहता है। इंपॉर्टेंट चीज़ मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज़, लेकिन ये ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं विद हाइपो वाला पेशेंट, ठीक है। सो हमने कहा पिटेशन है, टैकीकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस, इंक्रीज एपेटाइट, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस है, डायरिया है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज हो सकती हैं। हर टाइम इनके जो हाथ होते हैं ना वो गर्म रहते हैं, सो हॉट या मॉइस्ट पाम्स रहते हैं, जबकि हाइपो में आगे चल के देखेंगे उनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट कुछ आई रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं। एक्सोपथल मास रहता है, इनकी आँख ना बहुत ऐसे फटी हुई बाहर को उभरी हुई होती है, अभी मैं ये तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, सो एक्सोपथल मास हो सकता है। उसके बाद आई में आपने याद रखना है लिड लैग फिनोमना, ये मैं अभी सारे आपको पढ़ाने लगी हूँ। उसके अलावा लिड रिट्रैक्शन फिनोमना जो है वो इनके अंदर होता है, इनकी आंख बहुत मीडीली नहीं आ सकती, जिसको हम कहते हैं मोबियस साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। और अगर हम बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस देखेंगे, कोई भी रिफ्लेक्स करेंगे तो वो रिफ्लेक्स जो है वो एग्जरेटेड होता है, रिफ्लेक्सेस इनके बड़े हुए होते हैं। थायरॉयड के लेवल पर एक थायरॉयड ब्रुई जो है वो आपको सुनाई देती है लेटर स्टेजेस में, ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलैरिटी टुवर्ड द थायरॉयड ग्लैंड। अगर आप जो है वो स्टेथ जो है उसे सुनो तो आपको थायराइड ब्रुई जो है वो सुनाई देती है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी वो आपने याद रखना, दैट इज़ पेरिटीबियल मैग्जीडीमा। अब इसको ना मैग्जीडीमा कोमा के साथ कंफ्यूज नहीं करना, जो हाइपो का फीचर है। पेरिटीबियल मैग्जीडीमा जैसे टीबिया से ही आपको समझ आ रहा है, जो टीबियल रीजन होता है आपकी टांग का उसके इर्द गिर्द स्किन काफ़ी थिकंड हुई हुई होती है, दिस इज़ नोन एज पेरिटीबियल मैग्जीडीमा। जबकि मैग्जीडीमा कोमा जो हाइपो का एक फीचर है उसमें पेशेंट को हाइपोथर्मिया, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस और डेथ हो सकती है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटे, हमने कहा कि इनके अंदर ना जो सेकेंडरी होता है उनके अंदर कार्डियक अरिथमियाज, आर्टीरियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर हो सकते हैं। एंड लास्ट दो साइंस आप सुन लें, लास्ट दो साइंस ही हो सकते हैं कि एक तो इनके अंदर ना ऑन्कोलाइकोसिस शुरू हो जाती है। ऑन्कोलाइकोसिस का मतलब ये होता है कि जो नाखून होता है ना, ये नाखून ये स्किन से ना ऐसे उजड़ रहा होता है, मतलब स्किन से अलग हो रहा होता है, ठीक है, ऑन्कोलाइकोसिस होती है। और एक इनके अंदर क्या हुआ हुआ होगा, सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन यानी थायरॉयड रिलेटेड आर्थ्रोपैथी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी जॉइंट्स के अंदर या बोन्स के अंदर मसला शुरू हो जाता है। सो अब आप लोगों ने ये साइन सिम्टम्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अभी आई रिलेटेड पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि पेशेंट को पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस है, इंक्रीज एपेटाइट के बावजूद वेट कम होता है, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, डायरिया, मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, गर्म रहते हैं सॉरी, आंखें उभरी हुई हैं, ये दो फिनोमेनास अभी समझाती हूँ, साथ में रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा हैं, लेटर स्टेजेस में थायरॉयड ब्रुई सुनाई देती है, पेरिटीबियल मैग्जीडीमा टीबिया वाले रीजन के इर्द गिर्द स्किन की थिकनिंग हुई भी होती है, साथ में हमने याद रखना है कि कार्डियक अरिथमिया, ऑन्कोलाइकोसिस और एक्रोपैथी जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। नाउ इंपॉर्टेंटली बेटे, जो इसके आई सिम्टम्स है ना, ये चूंकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सो आई रिलेटेड सिम्टम्स का और डिस्कस कर लेते हैं। और आपने याद रखना है आई रिलेटेड सिम्टम्स प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। नाउ आई सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे मैं बहुत ब्रॉडली बता दूँ और फिर आगे दोबारा बताती हूँ।
इनके अंदर ना लिड रिट्रैक्शन होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिड रिट्रैक्शन बेटे, इनकी नॉर्मली अगर मैं ये कहूँ कि ये लिम्बस है तो आपकी आईलिड ना यहाँ होती है, इतनी होती है तकरीबन, ये इसको कवर कर रही होती है. लेकिन इनके अंदर जो अपर आईलिड है वो ऊपर चली जाएगी एंड दिस इस फिनोमेना को हम कहते हैं लिड रिट्रैक्शन, यानी उनकी आंख ना इसे बहुत ज़्यादा खुली हुई होती है. मैं अभी तस्वीरें दिखाती हूँ, ठीक है. ये इसलिए खुली हुई होती है कि इसको जो म्यूलर मसल्स वगैरह सप्लाई करते हैं आपके हाइपर में सिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है ना, तो सिंपथेटिक एक्टिविटी जब म्यूलर मसल्स को ज़्यादा सप्लाई करेगी तो वो पीछे की तरफ खींचेगा, जब वो पीछे की तरफ खींचता है तो आंख बहुत खुली नजर आती है, ठीक है. सो लिड रिट्रैक्शन का फिनोमेना होता है. नंबर टू बेटे लिड लैग फिनोमेना होता है. लिड लैग में क्या होता है, हम पेशेंट को जब कहते हैं डाउन गेज में देखे, अब आप खुद देख के देखो, जब आप नीचे देखते हो तो आपकी आंख आई बॉल तो नीचे जाती जाती है, ऊपर से लिड भी फॉरन उसको कवर करती है ना, इनकी आई बॉल नीचे आती है लेकिन लिड ऊपर रहती है, इस क्लैरा सारा एक्सपोज होता है. दिस इज नोन एज लिड लैग फिनोमेना. उसके बाद कहता है कि इनके अंदर जो है वो एक्सोपथल मास होता है, यानी इनकी आंख के इर्द गिर्द सूजन और आंख उभरी हुई होती है, वो इसलिए कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, तो ये एरिया सूजा हुआ लगता है, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनकी आई बॉल की जो मूवमेंट्स है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, और रिस्ट्रिक्टेड आई बॉल मूवमेंट को ऑप्थल्मोप्लेजिया कहते हैं. आई डोंट नो अगर आपको याद है या नहीं याद है, हम लोग ऑप्थमोलॉजी के अंदर पढ़ते थे थायराइड आई डिजीज, और वहाँ पर हम एक स्कोरिंग पढ़ते थे जिसको नॉस्पैक स्कोरिंग कहते हैं, ठीक है. सो इसमें हम कहते थे कोई साइन नहीं है, ओनली ऑक्यूलर साइन है, यहाँ पे शायद हम कह देते हैं सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग भी शुरू हो गई हुई है और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है. या आपको याद होगा वहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते थे. सो पहले आई फिनोमनाज होते हैं, एक्सोपथल मास है, देन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं. सो अब उसने बारी बारी डिस्कस किया हुआ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको भी बता देती हूँ. सो नंबर वन बेटे आपका आ जाता है लिड रिट्रैक्शन फिनोमेना. सो मैंने आपको बताया, पहले आपको दिखा देती हूँ बल्कि, कि लिड रिट्रैक्शन का मतलब होता है जब आपकी अपर आईलिड जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है. दिस known as lid retraction phenomena. Normally आपकी आंख ऐसे होती है, लेकिन अगर अपर आईलिड ज्यादा ऊपर चली जाए और आपका ये एरिया एक्सपोज हो रहा हो तो दिस इज नोन एज लिड रिट्रैक्शन. और ये इसलिए है कि ये जो म्यूलर मसल आपकी आंख को खोलने में हेल्प करता है वो ज्यादा काम कर रहा होता है ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपथेटिक सप्लाई. सो आंख जो है वो ज्यादा खुली रहती है, ठीक है. उसके बाद ये होता है हमारे पास लिड लैग फिनोमेना. अब देखो नॉर्मली जब ये पेशेंट नीचे देख रहा है तो उसकी आईलिड उसकी आईबॉल को कवर कर रही है ना, इसको प्यूपल को कवर कर रही है, लेकिन यहां पे जब वो नीचे देख रहा है तो ये आंख ऊपर ही रहेगी, इसका मतलब है लिड ऊपर रह गई है, आई बॉल के साथ वो नीचे नहीं आई. दिस इज लिड लैग फिनोमेना, ठीक है. और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज एक्सोपथल मास, ठीक है. एक्सोपथल मास में ऊपर वाली ऊपर और नीचे वाली आंख नीचे हो जाती है, लिड नीचे हो जाती है और ये सारा एरिया एक्सपोज है. दिस इज एक्सोपथल मास, ठीक है. दिस इज एक्सोपथल मास, ये भी एक्सोपथल मास है, ठीक है. और उसके अलावा हमारे पास ना कुछ साइंस होते हैं, मेरा ख्याल है वो भी तस्वीरें शायद नहीं ली, वो साइंस भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूंगी, वो भी आसान से साइन है. तो नंबर वन हमारे पास क्या है जी, लिड रिट्रैक्शन है. सो लिड रिट्रैक्शन में आपने याद रखना है कि दो लिड्स है ना, एक आपके पास जो है वो अपर लिड होती है और एक लोअर लिड होती है. तो लिड रिट्रैक्शन में याद रखना है लोअर लिड नॉर्मली होती है लेकिन अपर लिड जो है वो ज़रा ज़्यादा ऊपर चली जाती है, ठीक है. लोअर लिड अपनी जगह पर होती है लेकिन अपर लिड जो है वो ज़्यादा ऊपर चली जाती है, और ये अपर लिड जो है हाफ वे बिटवीन द लिम्बस एंड प्यूपल नॉर्मली बड़ी हुई होती है लेकिन ये ऊपर जाती है. और ये इस वजह से ऊपर चली जाती है क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो म्यूलर मसल्स हैं उनको सिंपथेटिक सप्लाई जरा स्ट्रांग हो जाती है और वो इसको क्या करते हैं, ऊपर कर लेते हैं. अब इसको और एक्सोपथल मास को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्सोपथल मास अभी दिखाया है उसमें अपर लिड ऊपर एंड लोअर लिड नीचे और ये बीच में से सारे का सारा एरिया एक्सपोज हो रहा होता है, तो दिस इज नोन एज एक्सोपथल मास. क्लियर बेटे. नंबर टू हमारे पास होता है लिड लैग फिनोमेना. मैं आपको बता दिया कि जब पेशेंट को हम कहते हैं डाउन गेज में देखो, यानी नीचे की तरफ देखो, तो उसकी जो आई बॉल है अंदर से वो तो नीचे आ जाती है लेकिन जो आई लिड होती है ना वो लैग करती है, वो पीछे ही रह जाती है. सो दिस इज नोन एज लिड लैग फिनोमेना. अब वो कह रहे हैं कि लिड लैग फिनोमेना के अंदर आपको बस और क्या बताऊँ, यही कुछ लिखा हुआ है कि अपर आई लिड बिहाइंड द आई बॉल रह जाती है व्हेन यू आस्क द पेशेंट टू लुक डाउनवर्ड, ठीक है. उसके बाद थर्ड चीज़ हमारे पास होती है वॉन ग्राफी साइन. वॉन ग्राफी साइन जो है, एक मिनट, इसी को ही कहते हैं मेरा ख्याल है, लेकिन मैं देखती हूँ. वॉन ग्राफी साइन जो है उसमें ये होता है कि आप पेशेंट का जो हेड होता है ना उसके ऊपर ऐसे हाथ रखते हो और पेशेंट को ये कहते हो कि राइट जो आपका हैंड होता है ना उससे उसको आप ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे कर रहे होते, ठीक है. और पेशेंट को आप ये कह रहे होते हो कि आपको फॉलो करे. लार्ज पोर्शन ऑफ द अपर स्क्लेरा इज विजिबल व्हेन द पेशेंट लुक्स डाउन. हाँ वही बात है कि इसको कन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वॉन ग्राफी साइन हम चेक करते हैं, यानी पेशेंट कैसे ऊपर नीचे मूव करता है. जब आपका आंख नीचे आएगी तो आई बॉल तो नीचे आएगी लेकिन उसकी जो लिड है वो पीछे रह जाएगी.
जाएगी. सो दिस इज वन रफी साइन. नंबर फोर हमारे पास होता है स्टेल्विक साइन. ये जो स्टेल्विक साइन होता है इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट बहुत इनफ्रिक्वेंटली ना ब्लिंक कर रहा होता है. ठीक है, सो पेशेंट जो है वो क्या कर रहा होता है, इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग होती है, यानी कि मतलब इतनी ज्यादा ब्लिंकिंग नहीं होती, वो आंख मोस्टली खोली रखता है, बहुत कम जो है वो ब्लिंक करता है. ठीक है, सो इतना ज्यादा वो ब्लिंक नहीं करता, इनफ्रिक्वेंटली करता है. नंबर फोर हम लोग जो है वो एक्सोपथल मास देखेंगे. अब एक्सोपथल मास देखने के लिए हम एक साइन भी परफॉर्म करते हैं. सो एक्सोपथल मास में बेसिकली क्या होगा बेटे, कि उसका जो रेट्रो ऑर्बिटल एरिया है, मैंने आपको बताया चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है मोस्टली ग्रेव्स में, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से इस एरिया में बहुत सारी सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन है. इन्फिल्ट्रेशन से आपकी आई बॉल बल्ज हो जाती है, तो इसकी जो आई बॉल है वो क्या हुई हुई होगी, बल्ज फॉरवर्ड हुई हुई होगी. दिस इज नोन एज एक्सोपथल मास. ठीक है, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे आप तीन इंपॉर्टेंट साइंस जो है वो भी कर सकते हैं. उन तीन इंपॉर्टेंट साइंस के क्या नाम है, सिर्फ नाम आप देख लें. एक हमारे पास होता है मोबियस साइन. मोबियस साइन में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं बिल्कुल सामने देखें, उसका जो हेड है ना माथा, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख लेते हैं और अपनी हाथ को ना ऐसे मीडियली उसके नाक की तरफ लेके जाते हैं. अब जब उनसे कहते हैं ना बहुत मीडियली देखे, तो ये पेशेंट जो है बहुत मीडियली जो है वो इनकी आई बॉल नहीं आती, मतलब अंदर की तरफ बहुत मीडियली नहीं आती, यहाँ दरमियान में रह जाती है. जब उनकी आई बॉल मीडियली नहीं आती मोबियस से, याद रखना, तो हम कहते हैं कि क्या है ये, पॉजिटिव है. क्योंकि जब ऑप्थमोलॉजी होती है तो मोस्ट कॉमनली जो मसल आपका इफेक्ट हो रहा होता है वो मीडियल रेक्टस होता है ना, तो इनकी आंख अंदर की तरफ नहीं आ रही होगी, वो बाहर की तरफ ही या सेंटर में रहती है. ठीक है, क्योंकि मीडियल रेक्टस पैरालाइज हो जाएगा. एक ये साइन हम करते हैं. एक हमारे पास होता है जेफरी साइन या जॉफरी साइन. ये जो जॉफरी साइन है बेटे, इसमें हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को कहते हैं ऊपर छत की तरफ देखे. जब वो छत की तरफ देखेगा तो माथे पे रिंकल्स बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिंकल्स नहीं बनेंगे. और तीसरा हमारे पास होता है नेवजिंगर साइन. नेवजिंगर साइन में ना हम बेसिकली एक्सोपथल मास की डिग्री देखते हैं. वो डिग्री देखने के लिए हम पेशेंट के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और उसके कहते हैं अपना हेड थोड़ा सा टिल्ट करे और छत की तरफ देखे. जब वो ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो अगर आई बॉल बहुत रिट्रैक्ट हो गई तो उसकी आईलेट बहुत रिट्रैक्ट हो गई तो आई बॉल यहाँ होगी, और जब मैं पीछे खड़ी हुई होंगी तो ये आई बॉल मुझे नजर आ रही होगी. इफ नजर आ रही होगी तो इसका मतलब है नेवजिंगर साइन जो है वो पॉजिटिव है. तो ये तीन साइंस हम जो है वो कर लेते हैं. तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि साइंस के अंदर आपने क्या देखने. नंबर वन, आपने लिड रिट्रैक्शन यानी कितनी आईलेट रिट्रैक्टेड है. नंबर टू, आपने लिड लैक फिनोमना करा के देखना है और उसको कराने के लिए वॉन ग्राफी साइन होता है. ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि पेशेंट की ब्लिंकिंग कितनी है. अगर इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग है तो इसको स्टेल्विक साइन कहते हैं. सही है, और स्टेल्विक साइन देखने के बाद हमने एक्सोपथल मास देख लिया कि आई बॉल कितनी बल्ज है, कितनी सूजी हुई है, और साथ में हमने यहाँ पे तीन साइंस करा लिए, मोबियस साइन है, जॉफरी साइन है और नेवजिंगर साइन है. क्लियर बेटे? नाउ फर्दर क्या करना है, फर्दर हमने ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखना होता है. ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब है कि हमने ये देखना है कि उसकी आई बॉल की जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, यानी कोई मसल पैरालाइज तो नहीं हुआ. सो मसल पैरालिसिस के लिए वही हम एज बना के देखते हैं कि उसकी आंख ऊपर नीचे मीडियल लेटरल आती है या नहीं आती है. ठीक है, सो ये हम देख लेते हैं, और साथ में क्यूमोसस अगर है वहां पे तो वो भी देख लेंगे. नाउ द लास्ट थिंग मैंने आपको कहा कि हमने चेक करना होता है फॉर प्री टीबियल मैग्जिडीमा. एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्री टीबियल मैग्जिडीमा? प्री टीबियल मैग्जिडीमा का ये मतलब है कि स्पेशली जो आपकी स्किन होती है अराउंड द प्री टीबियल रीजन, या आपका जो डॉर्सम ऑफ फुट है ना उसके अराउंड जो स्किन है उसकी क्या हुई हुई होती है, बहुत ज़्यादा थिकनिंग हुई हुई होती है. सो द थिकनिंग ऑफ स्किन अराउंड द प्री टीबियल रीजन एंड डॉर्सम ऑफ योर फुट, उसको हम कहते हैं पेरी टीबियल मैग्जिडीमा. अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पेरी टीबियल मैग्जिडीमा को मैग्जिडीमा कोमा के साथ आपने कन्फ्यूज नहीं करना. कोमा जो है वो हम हाइपो में देखते हैं, जबकि ये प्री टीबियल मैग्जिडीमा आपको हाइपर का फीचर है. इसमें स्किन की थिकनिंग मिलती है जबकि उसके अंदर हाइपोथर्मिया मिलता है, मेंटल स्टेटस ऑल्टर होता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है. ये आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी. क्लियर? लास्ट बेटे आप लोग इसकी थायराइड जो है वो ब्रूई सुन लेते हो अपने स्थैत से, थायराइड ग्लैंड के लेटरल लोब के ऊपर. और मैंने आपको कहा कि वो ज्यादातर प्रेजेंट होती है जब डिजीज बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में चला जाए ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलरिटी. एंड लास्ट हम देखते हैं कि कोई कार्डियक साइंस या कार्डियक एबनॉर्मैलिटीज तो नहीं है जो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में ज्यादा प्रेजेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल साइनस टैकीकार्डिया, मल्टीपल एक्स्ट्रासिस्टली तो नहीं है, पैरोक्सिस्मल आर्टीरियल टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशंस तो नहीं है. एंड एक लास्ट साइन जो है वो हमारे पास इसमें ना मायोपैथी भी होती है, जो आपके मसल्स हैं उनके अंदर मायोपैथी हो सकती है, यानी जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं मोस्टली हमसे कहते हैं अपने कंधे ऐसे उचका के दिखाए ना, ऐसे कंधे से हम देखते होते हैं कि जो आपके कंधे के ऊपर क्या मसल है, डॉर्सालिस मेरा हाल है, ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, सो ये चीज़ें जो है वो आपने देखनी है. सो अगेन ये वो सारे साइंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने थायराइड के पेशेंट के अंदर कराने हैं. ठीक है, जिसमें आपके पास बेटे लिड रिट्रैक्शन है, सॉरी
लिड रिट्रैक्शन है, उसके बाद लिड लैग फिनोमना है, फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग और इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग, एक्सोपथल मास, मोबियस साइन, जेफरी साइन, एफजिंगर साइन, ऑप्थाल्मोप्लेजिया, रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट, पेरिटीबियल मैक्सिडीमा, थायरॉयड ब्रूइक, कार्डियक साइन और एनी रिलेटेड मायोपैथी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी. ठीक है, सो यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है हाइपरथायरॉयडिज्म, T3 T4 ज़्यादा है, TSH कम है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं.